उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के तेजबड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दो लड़कियां शिवानी और रूपा गंगा नदी में डूब गईं। दोनों लड़कियों की उम्र 8 से 12 साल बताई जा रही है। दोनों लड़के नदी के किनारे घास काटने गई थी। लड़कियों की डूबने की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग नदी पर पहुंच गए और जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कुंदरकी के तेजवाड़ा गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दो मासूम बच्चियां घास काटने के लिए नदी के किनारे गईं और दोनों ही लड़कियां नदी में डूब गईं, जिसकी जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आनंद फानंद में परिवार वालों ने और स्थानीय ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी और बच्चियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन समय बीतता गया और बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया। लगातार व्यस्त क्यों किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चियों का कोई पता नहीं चला है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम को बच्चियों को ढूंढने के लिए बुलाया गया है। रेस्क्यू हमारा लगातार जारी है, जल्द से जल्द हम बच्चियों को ढूंढ लेंगे। क्या नाम आपका? बादाम जी, क्या मामला है, क्या हुआ है आज? लड़की डूब गई 9:30 बजे। क्या हुआ फिर? कोई निकालने वाला अभी तक नहीं आया। आपने किसी को सूचना दिया अभी तक? अरे कह तो बहुत लोग रहे थे कि वो आ रहे हैं, पुलिस वाले भी और वो भी तहसील वाले भी, कोई भी नहीं आ पाया। क्या बज गया? 1:30 बजा। कोई अधिकारी नहीं आया ढूंढने साहब? किसी ने प्रयास किया इसमें घुसने से, अंदर घुसने से? अभी एसडीएम साहब ने बताया था कि इसमें कोई घुसा था। गांव के घुसे थे, अब गांव को उनके बस की नहीं है। ये घटना, बच्चियां हैं, एक तो है जो बादाम सिंह जो प्रजापति हैं और एक हैं कश्यपों में अमर सिंह, उनकी दो बेटियां हैं, एक की उम्र जो है 11 साल है, एक की तकरीबन 14 साल है। ये बच्चियां घास काटने के लिए आई थी, घास काटने बाद में ये अपने हाथ पैर धोने लगी और उसके बाद में जो है शायद ये फिर नहाने भी लगी। वैसे ही इनका एक पैर रपट गया नदी में, पानी की रफ्तार ज़्यादा है। ये दोनों बच्चियाँ जो हैं डूब गई हैं, तकरीबन 9 बजे के वक्त ये डूबी हैं। इस वक्त प्रशासन भी हमारा जो है पूरे एक्शन में है और जो है एसडीओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे तो बाल बेटियाँ थी यहाँ गांव की, हमारे जतवाड़ा की, एक 8 साल की और ये जो है 12-13 साल की बेटी थी। तो ये सुबह पता चला कि चारा लेने आई थी, उस बहाने ये कहीं नहाने या खेलने के बहाने नीचे कहीं उतरी होंगी, पैर फिसलने के कारण ये नदी में डूब गई हैं। इनकी खोज जारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है, प्रयास किया जा रहा है इनकी खोज मिले, इनको डेड बॉडी या जो भी लाइव मिले, जैसे मिले। पर क्या कारण रहा है, गिरी है इसमें? नहीं, आपको बोला ना, ये चारा लेने आई थी, अंदर घुसने के प्रयास किया होगा नहाने का, या किसी कारण से अंदर गई होंगी, पैर फिसला होगा, इसलिए कारण तो यही है। कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो उस तरह का किसी पे किसी ने कोई आरोप लगाया हो, इस तरह का कोई मामला संज्ञान में अभी तक नहीं आया। मामला है, क्या मामला है सर, क्या यहाँ पर कार्रवाई चल रही है? बात पता चली कि दोनों लड़कियाँ घास वास लेने आई थी नदी के किनारे, उनके पैर में फिसल जाने के कारण वो नदी में डूब गई, जिसकी सर्च करवाई जा रही है एसडीआरएफ और पीएसयू कंपनियों के द्वारा। सर ये बच्चियाँ क्या करने आई थी यहाँ? अब तक जो जानकारी मिली, घास वगैरह काटने आई थी, हाथ पांव धुलने वाली, किसी कारण आई होगी नदी किनारे, तभी उनके पैर वैर फिसले होंगे तो नदी की धारा में आ सकती। सर क्या बजे घटना है सुबह की? पहली मीटिंग की घटना है सर, बड़ा लेट हो गया प्रोसेस। क्या वजह रही सर? क्योंकि ये फोर्स बाहर से आता है, फिर इन्हें तैयार होने में, नाव तैयार करने में 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है।